जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वक्त आप जन्नत अल मौला जो मेन यहाँ की ज्यारत है, यहाँ पे हजरत खुदैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनकी तदफीन हुई, तो ये वाला बिल्कुल सामने आपके व्यू आ रहा है। हमारा ये जन्नत अल मौला आप देख सकते हैं, जन्नत अल मौला यहाँ पे मुख्तलिफ खुश नसीबों की कब्रें यहाँ पे तदफीन हुई है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की खास 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 रहमतें उन पे। इंशाल्लाह ये नाइट व्यू जन्नत अल मौला का, देख सकते हैं। और ये सामने बिल्कुल आपके हरम मक्का क्लॉक टावर, और इसका दूसरा जो पार्ट है वो जन्नत अल मौला का दूसरा हिस्सा वो नीचे इसके आगे रोड के पार। और आप इस वक्त बिल्कुल जन्नत अल मौला की ज़ियारत कर रहे हैं। देखें अल्लाह ताला के ख़ास बंदों की यहाँ पे तस्कीन की गई है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे खूबसूरत मनाजर, मक्का क्लॉक टावर भी साथ है माशाल्लाह। और ये रोड जा रहा है मेन जो मक्का को टच करेगा, और ये जन्नत अल मौला यहाँ पे सुबह सुबह जो जनाजे आकर तदफीन की जाती है हर नमाज के बाद। तो वो जो सामने बिल्कुल आप देख रहे हैं वो हजरत खुदैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक है, वहाँ पे हजरत खुदैजा की तदफीन हुई है। तो बिल्कुल सामने आप ये वो खास मुकाम है जी। सैयद मोहम्मद सुहेल हुसैन साहब, इंशाल्लाह सबके लिए दुआएं, उमर उस्मान मदर साहब सबके लिए दुआएं इंशाल्लाह की जाती हैं। आप देखें मेन रोड आ रहा है खास, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला की तरफ से जो ख़ास यहाँ पे रहमतें नज़ूल होती हैं, देखें आप ये सीधा रास्ता जा रहा है जन्नत अल मौला हजरत खुदैजा रज़ी अल्लाह ताला की कब्र मुबारक के सामने बिल्कुल, सुभान अल्लाह। जी बिल्कुल हजरत खुदैजा रज़ी अल्लाह ताला बिल्कुल सामने स्ट्रेट आप देख रहे हैं, जो आगे से उसका कवर किया गया है कब्र मुबारक का, वो बिल्कुल हजरत खुदैजा रज़ी अल्लाह ताला की कब्र मुबारक है, कब्र अनवर है, सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे जितने भी आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं ये सारे कब्रें हैं, और खुश नसीब लोग यहाँ पे दफन किए गए हैं माशाल्लाह। खूबसूरत मक्का क्लॉक टावर का सामने से देख रहे हैं, विजिट करें माशाल्लाह। ये उसका दूसरा हिस्सा आ गए जन्नत अल मौला का, जन्नत अल मौला का यहाँ पे और भी बहुत से अल्लाह के खास बंदों की तदफीन की गई है माशाल्लाह। लोग यहाँ आकर दुआएं मांगते हैं, और अल्लाह ताला के घर में आकर सब लोग गिड़गिड़ा कर अल्लाह के हुजूर सर सजदा होते हैं और अपने गुनाहों की तलफी मांगते हैं माशाल्लाह। देखें ये वो मेन रोड है जो आगे जाकर टच होकर सीधा हरम के अंदर इनक्रीज होता है माशाल्लाह, खूबसूरत नज़ारा। माशाल्लाह अल्लाह अकबर, ये देखें क्या देख सकते हैं, कुछ हज़रात यहाँ पे दुआएं भी मांग रहे हैं बैठकर अल्लाह के आलूर यहाँ पे दुआओं की तलफी गुनाहों की तलफी करवा रहे हैं माशाल्लाह। देखें ये कब्रें, अल्लाह अकबर। आमीन आमीन, सैयद मोहम्मद सुमेल हुसैन आमीन, जज़ाकअल्लाह।
अल्लाह ताला सब पे करम फरमाया, आमीन जजाक अल्लाह। खूबसूरत व्यू माशाल्लाह, ये रोड सीधा यहाँ से निकल के अंदर ग्रास टच करता है माशाल्लाह। मक्का क्लॉक टावर का खूबसूरत मंजर, और ये रोड नीचे सीधा जाकर इनसाइड वे से माशाल्लाह। खुश नसीब लोगों को यहाँ पे दफन किया जाता है, तदफीन होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको यहाँ अपने घर में बुलाए और अपने महबूब के घर में भी बुलाए माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, ये सैयद मोहम्मद शुमेल हुसैन इंशाल्लाह आपसे राबता होगा। जजाक अल्लाह। मेन रोड नीचे जा रहा है माशाल्लाह। खूबसूरत रात दिन को यहाँ पे लोग आते हैं और रात को ये बंद कर दिया जाता है। एक मखसूस टाइम है जन्नतुल मौला का, इसको रात को ऑफ कर दिया जाता है, तो किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। तो दिन को जो है ये ओपन कर दिया जाता है, और नमाज के बाद यहाँ पे लोग तदफीन आकर जनाजे तदफीन होते हैं और दुआएं मांगी जाती हैं और अल्लाह से ख़ास माफ़ियाँ तलब की जाती हैं। माशाल्लाह खूबसूरत मंजर आपकी आंखों के सामने देखें, खूबसूरत अल्लाह पाक का नाम लिखा हुआ है सामने मक्का क्लॉक टावर के ऊपर। सो जजाक अल्लाह, गांव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।